हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डगलस पैगरेर को पढ़ा था, अभी हम पढ़ते हैं क्रिस एग्रेरिस, जो एक फिर से एक इम्पोर्टेंट थिंकर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और साइकोलॉजी का इनके काफ़ी इफेक्ट है, और ह्यूमन जो कैरेक्टर है, ह्यूमन जो नेचर है, उसके ऊपर बेस्ड है इनकी थ्योरी, तो ह्यूमन बिहेवियर जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म में चले जाते हैं, तो बिहेवियरिज्म में ना रह के उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं, सबसे पहले फोकस कर लेते हैं कि लाइफ एंड वर्क पे इनके। तो लाइफ तो कहाँ पे है, ये यूएसए में है, और न्यू जर्सी और उसके न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट में। तो न्यूयॉर्क नहीं है, ये न्यूयॉर्क है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ही सर्व्ड यूएस आर्मी इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अगर आप देखेंगे 23 में पैदा होते हैं, तो 42 से 45 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है उसमें पार्टिसिपेट ऑलमोस्ट सभी यंग लोग करते थे, तो इनको भी करना पड़ा और ये जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से जब लौट के आते हैं, आफ्टर ही ज्वाइंट यूनिवर्सिटी ऑफ क्लार्क फॉर ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी। तो हमने अभी बात की साइकोलॉजी पर फोकस करते हैं, तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस इनका बहुत अच्छा है, और अपने रिसर्च के बेसिस पे वो साइकोलॉजिकल साइको एनालिसिस करते हैं। एट द सेम टाइम ही डिड एम ए इन साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स फ्रॉम जो है वो कैंसस यूनिवर्सिटी से, यहाँ से करते हैं कि एम ए करते हैं इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी में। आफ्टर दैट ही ज्वाइन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी फॉर PhD, सो इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजनल बिहेवियर। ही डिड हिज PhD इन ऑर्गेनाइजनल बिहेवियर 1951 में, ये ख़त्म करते हैं। उसी के बाद जो है एज अ प्रोफेसर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के, और चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ येल यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेते हैं 1951 टू 71 तक वहाँ रहते हैं, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स वहाँ पे देते हैं ये। और अगर उसके बाद देखते हैं, तो आफ्टर दैट ही ज्वाइंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड बिकेम डायरेक्टर ऑफ द मॉनिटर ग्रुप इन कैम्ब्रिज, तो कैम्ब्रिज में भी रहते हैं, एज अ कंसल्टेंट एंड पायनियर इन एप्लीकेशन ऑफ द टी ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा, टी ग्रुप क्या है। तो टी ग्रुप टेक्निक, हिज इन्फ्लुएंस ऑन रिफॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजरियल प्रैक्टिस इज इक्वली स्ट्राइकिंग। तो मैनेजरियल प्रैक्टिस और ऑर्गेनाइजनल स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और कहते हैं कि ट्रेनिंग का टी फॉर ट्रेनिंग, तो ही एम्फसाइज ऑन द ट्रेनिंग, की बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ट्रेनिंग पे, और ट्रेनिंग का हम अलग से भी पढ़ेंगे, इनकी एक थियरी है टी थियरी जो है। ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंकर इंस्टॉल्ड इन द थिंकर्स ऑफ 50 हॉल ऑफ फेम। तो अगर आप देखेंगे तो हर्बर्ट साइमन जैसे जो थिंकर हैं उनके साथ, ऑल्दो हर्बर्ट साइमन के क्रिटिक भी हैं, जो हर्बर्ट साइमन का जो आइडिया है वो हम बताएंगे आपको, तो हर्बर्ट साइमन के क्रिटिक हैं, उनमें से एक जो हर्बर्ट साइमन के स्ट्रेचर का है 50 हॉल ऑफ फेम में से एक ये भी है, क्रिस एग्रिस। तो क्रिस एग्रिस जो हैं इनको हम पढ़ेंगे, अब इनके देखते हैं रिसर्च एंड एरिया, रिसर्च एरिया एंड बुक्स को देख लेते हैं कि किस फील्ड में काम किया। तो इनकी बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत फेमस हैं, तो बुक्स पे ध्यान देते हैं, आधे ये देख लेते हैं। देख लेते हैं, एग्रेस रिसर्चेस रिलेटेड टू फोर एरियाज, ये हाँ इंपॉर्टेंट है, फोर एरियाज। इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। कंट्रोल सिस्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल्स पे जो कंट्रोल सिस्टम का है या मैनेजमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी उस पर भी। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटिव बिहेवियर, हम देखेंगे इसको, इस पर तो फोकस ही करते हैं ये। रोल ऑफ सोशल साइंटिस्ट एज अ रिसर्चर एंड एक्टर एंड इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, तो इन सब चीज़ों पे जो फोकस है उस पर देखेंगे किस तरह से करते हैं। ये सारी थ्योरीज इन्हीं से निकल के आती है, तो ये तो एरिया रिसर्च का फोकस है। ही ऑथर्ड ओवर 30 बुक्स एंड ओवर 150 आर्टिकल्स, दैट्स वाई ही इज़ वेरी पॉपुलर, ही इज़ इक्वल, ही मैनेज हिज स्ट्रेचर टू हर्बर्ट साइमन। तो आप देख सकते हैं कि अब इनकी बुक को देख लेते हैं, सम ऑफ हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड ऑर्गेनाइजनल ट्रैप्स, कि ऑर्गेनाइजेशन में ट्रैप्स क्या है, किस तरह से, जिसमें लीडरशिप कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, इसके बाद देखेंगे 2012 में, बाद में छपती है ये। रीजन एंड रैशनलाइजेशन 2006, फ्लॉड एडवाइस एंड मैनेजमेंट ट्रैप अगेन, नॉलेज फॉर एक्शन अ गाइड टू ओवरकमिंग बैरियर्स टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन थ्योरी एंड मैथड, अ बिहेवियरल साइंस व्यू, ऑर्गेनाइजेशन एंड इनोवेशन, इंटीग्रेशन एंड इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन।
these are few books, not all, but few books, and lots of articles are written by his Chris Agraris. So uske baad agar aap dekhenge to he has focus reading his works. अब हम पे फोकस करते हैं रीडिंग हिज बुक. एंड्रे मैकेफी क्या कहते हैं, विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट वन कैन मेक इन इम्प्रूविंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. यहाँ पे फोकस करना हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग वन सेल्फ. कि इफ़ यू आर रीडिंग क्रिस एग्रीज तो यू कैन अंडरस्टैंड द हाउ वर्ल्ड वर्क्स, कि किस तरह से पूरा संसार जो है वो काम करता है, और एट द सेम टाइम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को भी. इन हिज ऑनर आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेचर इनका बड़ा है. तो येल यूनिवर्सिटी ने क्या किया, क्रिस एग्रीस चेयर सोशल साइकोलॉजी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्रिस एग्रीस चेयर एक बनाया. चेयर का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट जो छोटा हो सकता है जिसमें कम लोग होते हैं, लेकिन फिर भी उनके सम्मान में या उनके ऑनर में बनाया गया है. एग्रीस इज कंसर्न्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंट्रीब्यूटर टू द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. की फर्स्ट जनरेशन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की अभी तक जो है ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए या उसके प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, अभी ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है कि ओवरऑल कैसे डेवलप किया जाए जिससे ह्यूमन का डेवलपमेंट हो और ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमनिज्म है वो बढ़े, क्योंकि उसके अंदर मानवता बढ़े. क्योंकि एक तरह से आप देखेंगे कि उस समय जो था काफ़ी जो लेफ्ट, क्योंकि ये जो वर्ल्ड वॉर के बाद के जो दुनिया है उसमें बाइपोलर हो गया था. एक तरफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, एक तरफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी. तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो थी वो काफ़ी कहती थी कि जो कैपिटलिस्ट है वो सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सिर्फ फोकस करते हैं, और जितना भी मैनेजमेंट और ये सब जो थ्योरीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ लेबर्स को एक्सप्लॉयट करते हैं और उसके बेसिस पर प्रॉफिट बनाते हैं. और तो भले अपने आप को साइंटिफिक बोले या कुछ भी बोले, ये कहते हैं कि ये सारे मैनेजमेंट की थ्योरीज एक टूल है जो लेबर को एक्सप्लॉयट करने के हैं. तो इससे ये समझते हैं, और कई बार इनको भी लोग कहते हैं कि लेफ्ट ओरिएंटेशन था इनका भी. तो इससे ये कहते हैं कि ह्यूमनिज्म एक बड़ी चीज़ है, कि ह्यूमनिज्म होना चाहिए मैनेजमेंट में भी. तो इनका जो थ्योरी है मैनेजमेंट पर फोकस करती है. अब हम आगे देख लेते हैं. सो He focused on the individual's relationship to the organization and the conflict between the individual's social and psychological needs and exigence of the organization. तो जो एक individual की social psychological जो need है वो कहाँ पर satisfy हो रही है, क्या organization उसको satisfy कर पा रहा है, ये इनका idea था. अब जो है कि क्योंकि अभी इन्होंने बोला कि पहले discuss कर लेंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनके अकॉर्डिंग क्या है, कि अभी तक जो ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज थी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी थ्योरी, मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी थ्योरीज बनी वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, एग्रीस आर्ग्यूज दैट देयर इज अ बेसिक इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन द नीड्स ऑफ मैच्योर पर्सनैलिटी एंड इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. कह रहे हैं कि एक तरह का इनकॉन्ग्रुएंस जो है, जो जिसको हम सिंपल टर्म में कह सकते हैं, इट इज़ कॉन्फ्लिक्ट, और वी कैन से इन इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट, कि जो हटाया नहीं जाता वो रहेगा ही. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये मैच्योर पर्सनालिटी की जो रिक्वायरमेंट है क्या उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूजली पूरा नहीं कर पाता. इसलिए क्या होता है, मैच्योर पर्सनालिटी जो होगी उसके बीच में और ऑर्गेनाइजेशन जो होगा उसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आता है. एग्रीरी सजेस्ट दैट देयर इज सम बेसिक इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन द ग्रोथ ट्रेंड्स ऑफ द हेल्दी पर्सनैलिटी जो हम बात कर रहे हैं एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट जो अभी तक चल रहे थे, और एक हेल्दी पर्सनैलिटी है, जो पर्सनैलिटी है वो खुद भी ग्रो करना चाहती है लगातार, वो डिसीजन लेना चाहती है, उसको भी फ्रीडम चाहिए. तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि हमने जो बोला वो करे, और एट द सेम टाइम जो इंडिविजुअल है वो क्या चाहता है, इंडिविजुअल चाहता है कि मोर और मोर फ्रीडम मिले, उसकी क्रिएटिविटी है जो उसकी स्किल है वो अपना यूज़ कर सके विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दो इन द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉट अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन. द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट सिचुएशन इन विच, अब ये कहते हैं कि प्रिंसिपल जो हैं वो अभी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल हैं ये किस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, इस पर हम फोकस कर लेते हैं. तो फर्स्ट ही है इनका, अगर देखें पहला जो आइडिया है, द एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड मिनिमल कंट्रोल ओवर देयर वर्क, कि अपने ही काम पे जो एम्प्लॉयज हैं उनका कंट्रोल बहुत कम है. ये गवर्न बाय है ऑर्गेनाइजेशन जो है या उसके बॉस जो है जो भी है वो ज़्यादा बोलता है, तो आपके पास अपनी कंट्रोल नहीं है अपने काम के लिए भी. दे आर एक्सपेक्टेड टू बी पैसिव,
एक्टिव नहीं होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए, डिपेंडेंट एंड सबऑर्डिनेट। तो जो एम्प्लॉय है वो हमेशा जो बॉस है उसके नीचे पैसिव हो, जो उतना कहा गया उतना करे, एक्टिव रोल प्ले ना करे। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चाहता है कि अपना बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाए। दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव शॉर्ट टाइम परस्पेक्टिव, कि एक बहुत शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं, तो होता है क्या कि जो बोला गया है आप उतना ही सोचिए। लॉन्ग टर्म में जो गोल देखना है कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऊपर के लोग देखेंगे, आपका काम वो लॉन्ग टर्म गोल देखना नहीं है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव देखते हैं, जो उनको टारगेट दिया गया सिर्फ उतना ही फुलफिल करना है। वो टारगेट के अगर आप देख भी पा रहे हैं कि उस टारगेट से हमको कुछ नुकसान होने वाला, तो भी आप अपने से अपना इनोवेटिव दिमाग नहीं लगा सकते। दे आर इंड्यूस्ड टू परफेक्ट एंड वैल्यू द फ्रिक्वेंट यूज ऑफ द फ्यू सेल एबिलिटीज, कि जो इनका जो है कि वो खुद अपनी जो एबिलिटी है उसको बहुत कुछ यूज़ नहीं कर सकते। एक सैलो एबिलिटी जो छिछली बाहर दिख रही बस उतना ही कर सकते हैं। कोई आदमी बहुत क्रिएटिव हो, बहुत उसके पास विज़न हो, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसका विज़न को यूज़ नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कह रहे हैं ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनकॉन्ग्रुएंट टू द नीड्स ऑफ एडल्ट ह्यूमन। अब ये जो सारे ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चार, ये क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट है, कॉन्फ्लिक्ट लाता है कि एडल्ट ह्यूमन बींग्स जो है कभी बिल्कुल हमेशा मशीन की तरह काम नहीं करता, कभी कभी तो कर सकता है, जैसे हमने देखा था डगलस मैकग्रेगर भी कह रहे थे, ये भी इसी तरह से कहते हैं। एग्रेस एनालाइज सजेस्टेड दैट इनिविटेबल इनकॉन्ग्रुएंसी इंक्रीजेज एस, अब ये जो है कि इनकॉन्ग्रुएंसी जो हटाई नहीं जा सकती, ऑब्वियसली इस कंडीशन में तो एक इनकॉन्ग्रुएंसी आएगी ही, कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही। तो कह रहे कि वो क्या क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तीन तरह से बताया इन्होंने। द एम्प्लॉयज आर ऑफ इंक्रीजिंग मेच्योरिटी, कि एम्प्लॉयज जो हैं वो उनकी मेच्योरिटी लगातार बढ़ती रहेगी तो उनके आइडियाज़ भी बढ़ेंगे। एज द फॉर्मल स्ट्रक्चर इज मेड मोर क्लियर कट एंड लॉजिकली टाइट फॉर मैक्सिमम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत क्लियर कट होता है, बहुत लॉजिकली टाइट है फॉर मैक्सिमम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इफेक्टिवनेस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टाइट है, इनकी मेच्योरिटी बढ़ रही है, इनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। वन गोज डाउन द लाइन ऑफ कमांड, जैसे जैसे नीचे जो लाइन कमांड में जाएंगे क्या होगा, ये टाइट होता जाएगा, लॉजिकली टाइट होता जाएगा। नीचे के लोग अपने लॉजिक नहीं यूज़ कर सकते, ऊपर तो फिर भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऊपर का आदमी तो लॉजिक क्रिएटिविटी यूज़ कर सकता है, नीचे के नहीं, नीचे का जो बोला गया है सिर्फ उतना करना है, कोई भी लॉजिक यूज़ नहीं कर। तो इससे क्या होता है कि एपैथी हो जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो नीचे का स्टाफ है जो वो उसको साथ दिक्कत होती है, और वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोच पाता। द एम्फेसिस ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल्स मेक द एम्प्लॉयज फील डिपेंडेंट ऑन देयर सुपीरियर्स एंड फियरफुल ऑफ द स्टाफ इन चार्ज ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल। तो अब क्या होगा कि जो नीचे का एम्प्लॉय है डिपेंडेंट हो जाता है सुपीरियर पे, कि जब वो बोलेंगे तो हम करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे। अब क्योंकि वो डरा हुआ होता है, अगर अपनी मर्जी से कर लिया तो डांट पड़ेगी या इस तरह की चीज़ होगी। तो अब ये अलग अलग तरह के कंट्रोल में रहता है तो अपना दिमाग नहीं लगाता है, तो यहाँ से ये प्रॉब्लम होने लगती है। अब ये देख सकते हैं कि क्या होता है कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप एडाप्टेशन जो है वो किस तरह से अडाप्ट करता है इस सिचुएशन को, तो हम आगे देख लेते हैं। सो इफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड बाई द यूज ऑफ सर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एज अ टास्क स्पेशलाइजेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, चेन ऑफ कमांड एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल, एंड इफ दीज प्रिंसिपल आर यूज करेक्टली द एम्प्लॉयज वुड वर्क इन सिचुएशन इन विच दे आर डिपेंडेंट सबॉर्डिनेट पैसिव टूवर्ड्स द लीडर। कि अब ये सारे जो हमने बताया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये आपने अलग अलग जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी थी, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी थी, उनमें ये सब चीज़ें आई थी। हमने देखा था यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए या स्पैन ऑफ कंट्रोल की आइडिया था, ये सब चीज़ें तो उसमें थी। अब बोले कि लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को तो फायदा हो गया लेकिन इंडिविजुअल्स को क्या नुकसान हो रहा है, वो डिपेंडेंट हो गए, ये सबॉर्डिनेट जो है वो पैसिव हो गए, वो एक्टिव रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। द डिग्री ऑफ पैसिविटी डिपेंडेंस सबमिसिवनेस टेंड टू इंक्रीज एज वन गोज डाउन द लाइन, जो हमने पहले बात की कि डाउन द लाइन जैसे जैसे नीचे आएंगे तो डिपेंडेंसी जो ऊपर का है, ऊपर के कुछ लोग तो डिपेंडेंट पूरी तरह से नहीं है लेकिन नीचे आते आते जो है वो पूरी तरह से दे आर डिपेंडेंट ऑन द सुपीरियर्स जो हैं, उनके बॉस जो हैं उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। डाउन द लाइन ऑफ कमांड हमने पढ़ा है, एज द वर्क टेक्स मोर ऑफ मास प्रोडक्शन करेक्टरिस्टिक्स, एज अ रिजल्ट एग्रेरिस जो है
hypothesized that the formal organization creates in a healthy individual feeling of failure. अब जो formal organization है उसमें नीचे के लोग क्या सोचते हैं कि वो failure है. Obviously अगर आज के समय में भी देखें तो जो नीचे के जॉब कर रहे हैं उनको क्या लगता है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए इसलिए ये काम कर रहे हैं. तो चाहे वो छोटे एम्प्लॉयज़ हों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो छोटे एम्प्लॉय हैं, नीचे जितने चले जाएंगे वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं रहता. उसको लगता है कि हमको कुछ और बेटर मिल सकता था. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कहता है कि अगर हमने मेहनत की होती, पढ़ा होता तो सरकारी नौकरी हो जाती हमारे पास, या कुछ और अपना बिजनेस कर पाते. अगर हमारे पास पैसा होता तो हम ये जॉब क्यों करते थे. तो सभी लोग क्या होता है, सेंस ऑफ फेलियर है. अगर वो छोटी जॉब करना अपने आप में फेलियर है और फ्रस्ट्रेशन लाती है. शॉर्ट टर्म जो है टाइम परस्पेक्टिव एंड कॉन्फ्लिक्ट, और इसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि नीचे के लोग ऊपर के लोगों से कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं. कभी कोई जॉब छोड़ के भाग जाता है. कभी अभी अगर आप देखेंगे आज के कोरोना टाइम में तो बहुत से लोग जा रहे हैं. अभी जब फैक्ट्रीज खुलेंगी तो हो सकता है वो लोग ना भी रुके, वो जॉब देंगे तो भी ना रुके, क्योंकि उनको लगता है कि थोड़े पैसे के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते. तो ये सिर्फ पैसे का मोटिवेशन नहीं है बल्कि उनकी जो क्रिएटिविटी है उसमें उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है. The individual adapts to the impact of the organization by anyone or a combination of behaviors like leaving the organization. जो हम बात कर रहे थे कि लीव छोड़ के चला जाएगा, बीच में वो छोड़ देते हैं और कोई भी कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं होता क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी को या उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, ना ही उनको पैसे उतने मिल रहे हैं तो उसकी वजह से वो छोड़ के जाता है. क्लाइंबिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लेटर की उनको मालूम है कि वो कितनी मेहनत कर ले वो ऊपर नहीं पड़ जाएंगे. यूजिंग डिफेंस मैकेनिज्म, अब वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म ढूंढ लेता है काम ना करने का. बिकमिंग एपैथेटिक एंड डिसइंटरेस्टेड हो जाता है कि उसको लगता है कि जो भी हो रहा है कंपनी को लॉस हो रहा है तो हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको उतनी सैलरी मिलेगी, कंपनी को फायदा हो जाएगा तो भी हमको बहुत कुछ नुकसान फायदा नहीं होगा. तो अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसकी जो एपैथी होती है वो अपनी सिर्फ ड्यूटी करता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है कंपनी को क्या हो रहा है. द इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज, जो इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स है ऑर्गेनाइज टू परपेचुएट दीज एडेप्टिव प्रोसेस टू रिवॉर्ड दोज एम्प्लॉयज हु फॉलो द इनफॉर्मल कोड्स एंड टू पिनलाइज दोज हु डोंट. तो ये जो है कि इनफॉर्मल ग्रुप जो है ये क्या करता है, एक्चुअली उनको तो रिवॉर्ड करता है जो इनफॉर्मल कोड जो है उनको फॉलो करते हैं, और जो नहीं फॉलो करते, जो अपनी क्रिएटिविटी निकालने कोशिश करते हैं अपने बाहर निकालने की, उनको पिनलाइज भी करता है. The individual adaptive acts as a norm became sanctioned by the group and therefore provide feedback to reinforce the continuation of individual need fulfilling adaptive behavior. कि अब क्या हो रहा है कि ये जो act होता है ये जब group में आ जाता है कि सभी लोग ऐसे ही, तब यहाँ से feedback जाता है कि अब individual need की fulfilling जरूरी है. इंडिविजुअल नीड है उसकी जो फुलफिलिंग होनी चाहिए, कि उसकी एक जो नीचे का एम्प्लॉय है उसकी भी एक आवश्यकता है, उसकी ज़रूरत होनी चाहिए. तो इसी से आगे जो एजम्पशन आते हैं कि अब मैनेजमेंट क्या अज्यूम करता है इसके ऊपर भी बताते हैं. ये तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट डोमिनेंट जो एजम्पशन है, एग्रीज आर्ग्यूज दैट द टॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑब्जर्व देयर एम्प्लॉयज आर लेजी. अब वो क्या सोच रहे हैं कि वो काम क्यों नहीं कर रहे, उनका काम मन में नहीं लग रहा है, उनको कोई एफिलिएशन नहीं फील हो रहा है, उनको कोई लगाव नहीं है अपने ऑर्गेनाइजेशन से. और क्यों? क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी, उनकी स्किल को यूज़ नहीं किया जा रहा है. इसलिए अब ये जो एम्प्लॉय जो बॉस हैं वो क्या सोचते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो क्या सोचते हैं, दे आर लेजी, अनइंटरेस्टेड एंड एपैथेटिक, मनी क्रेजी एंड कमिट एरर्स एंड कॉज वेस्टेज. कि वो उनको लेजी समझ रहे हैं, ये अनइंटरेस्टेड समझ रहे हैं, एपैथेटिक, उसका कोई लगाव नहीं है और सिर्फ पैसे से उनको मतलब है, और उसकी वजह से ये क्या करते हैं, जब लगाव नहीं है तो एरर करते हैं और ये वेस्टेज होता है, इससे जो कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का वेस्टेज होता है. अब दोनों तरफ से तो इसी ह्यूमनाइजेशन की, ह्यूमन को, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें. दोनों अलग अलग, जो लोअर स्ट्रेटा का जो एम्प्लॉय है वो क्या कर रहा है, उसका अपना लगाव नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं मिल रहा, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, और ये सोच रहे हैं कि वो कुछ काम नहीं करना चाहते. एग्रीस कंक्लूड्स दैट द इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्टिव लीडरशिप अपॉन द सबॉर्डिनेट इज सिमिलर टू दैट विच इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अपॉन टू सबॉर्डिनेट. कि डायरेक्टिव जो लीडरशिप होती है वो सिमिलर है, जैसे कि जो डायरेक्ट करती है ऊपर से बताती है वो ऑलमोस्ट उसी तरह है जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है. प्रेशर ओरिएंटेड डायरेक्टिव लीडरशिप क्या करती है, कंपाउंड द फेलनी That the formal organization commits. कि ये फोकस करती है कि एक तरह से कह सकते हैं कंपाउंड ऑफ फेलनी में, तो जो अपराध कह सकते हैं क्राइम की तरह है, कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको एक तरह से अपराध की तरह देखती है कि डायरेक्टिव लीडर की वजह से जो है ये अपराध हो रहा है.
अथॉरिटेरियन लीडरशिप नोट्स एग्रेस रिइंफोर्स द परपेचुअल डैमेज क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ये जो कंपाउंड ऑफेंडली जो अपराध जो हो रहा है लोगों के साथ वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो बॉस है उसका बताया गया उसको ऐसे कराना है क्योंकि ये लोग लेजी हैं, और ये क्या कर रहे हैं ये सोचते हैं कि हमारा तो कोई सही नहीं है इसलिए कुछ नहीं कर रहा है। तो अब स्ट्रेटजीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, अब क्या करना चाहिए कि इस कॉन्फ्लिक्ट जो है इस सिचुएशन में क्या होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी। ही सजेस्टेड एज इंटरवेंशन स्ट्रेटजी फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इन फोर कोर एरियाज। क्या कहते हैं, फर्स्टली द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल टुवर्ड पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, कि जो इंडिविजुअल काम कर रहा है उसकी साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी की तरफ भी ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए, भले वो नीचे के लेवल का एम्प्लॉय हो उसके भी ध्यान देना चाहिए, पहली बात ये कहते हैं। सेकेंडली द प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनाइजेशन चेंज शुड एम एट इम्प्रूविंग द इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस ऑफ द एम्प्लॉय, कि आपस में जो कॉम्पिटेंस है जो आपस में एक दूसरे से कह सकते एक तरह से प्रतियोगिता या एक दूसरे से जो लगाव है वो, कि आपस में एक दूसरे से लगाव होना जरूरी है, वो जरूर इम्प्रूव करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एक दूसरे से कोई लगाव या इस तरह का एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं है तो फिर कोई काम नहीं होगा। थर्डली क्या कह रहे हैं, चेंज मस्ट बी इंट्रोड्यूस टू ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल पिरामिडिकल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो क्या है, पिरामिडिकल है कि ऊपर जो है कम लोग होंगे, बॉस एक होगा फिर नीचे, तो इसको थोड़ा चेंज कर, डिसीजन सिर्फ ऊपर लिया जाएगा नीचे फॉलो किया जाएगा, ये चेंज करने की। एंड लास्ट जो है फोर्थली, टेक्निक्स आर प्रोग्राम्ड लर्निंग एम टू इंडिविजुअल चेंज शुड बी इंट्रोड्यूस, कि अब ऐसा कुछ हो कि व्यक्ति के अंदर भी क्या चेंजेस ला सकते हैं उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। आप उसको एक कैटेगरी में नहीं देख सकते कि ये इस स्ट्रेटा का एम्प्लॉय है तो ये लेजी ही होगा, उसमें से कुछ लेजी हो सकते हैं कुछ बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, तो आपको इंडिविजुअल को ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब ये कहते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं, तो जो इन्होंने बताया कि एक थ्योरी दी है कैसे होना चाहिए, उसमें मैच्योरिटी इमैच्योरिटी की थ्योरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा इनके नाम से। तो एग्रीस ऑब्जर्व दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ मैच्योर एडल्ट। जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, इससे पहले ये खुद कहते हैं कि फॉर्मल स्ट्रक्चर ये बड़ा इस तरह का है फॉर्मल स्ट्रक्चर, और जो मैच्योर एडल्ट है अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो क्या होगा उसके साथ, अगर वो नीचे के लेवल पर काम कर रहा है तो उसके कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है, होगा ही। इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज गेट फ्रस्ट्रेटेड एज दे आर नॉट अलाउड टू फंक्शन एज अ मैच्योर एडल्ट। अब प्रॉब्लम क्या है, जो मैच्योर एडल्ट की तरह उसको ट्रीट नहीं किया सर, उसको बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि आपको ये बोला है आप कीजिए, आपको नहीं सोचना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। जैसे कई बार आप देख सकते हैं छोटे की कई बार जैसे गार्ड्स होते हैं किसी कंपनी के गेट पे, तो आपको वो जो उन्होंने जो बोला है उसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे, उनको मतलब नहीं है कि आप कितने भी लॉजिक बोलते रहें उनसे उनको मतलब नहीं होता। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनके जो बॉस है उनको उस तरह से डांटते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से उनको अपनी फ्रीडम नहीं दी जाती है कि वो अपना लॉजिक लगा के भी कुछ काम कर सकें। द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी फ्रॉम द इन्फेंट स्टेज वॉज कैरेक्टराइज बाई एग्रेस टू कंसिस्ट ऑफ 7 कंपोनेंट्स, दीज आर, ये हम देख लेते हैं पहले। तो 7 जो कंपोनेंट्स दिए हैं इन्होंने वो क्या है, फ्रॉम इन्फेंट पैसिविटी टूवर्ड्स द एडल्ट एक्टिविटी। तो ये आइडिया क्या है कि इन्फेंट पैसिव, क्योंकि जो बच्चा होता है जैसे उसको कुछ नहीं समझ में आता है, तो इन्फेंट पैसिविटी मतलब बच्चे की तरह पैसिविटी, बच्चा नहीं है, और टू एडल्ट एक्टिविटी जो एडल्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए जो हमारा टीन एज ग्रुप होता है वहाँ से हम सोचना शुरू कर देते हैं, और जो माता पिता होते हैं वो क्या सोचते हैं, उनको अभी आपको समझदारी वो बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो एडल्ट जैसे ही होते हैं आप अपना दिमाग भी अपनी क्रिएटिविटी भी लगाते हैं। तो कंपनी के अंदर भी यही चीज़ बोल रहा है कि कोई जब नया ज्वाइन कर रहा है वो तो पैसिव हो सकता है, वो हर चीज़ पूछेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो एडल्ट एक्टिविटी की तरह हो जाता है कि बहुत सी चीज़ों में उसको फ्रीडम मिले। फ्रॉम डिपेंडेंस टूवर्ड द रिलेटिव इंडिपेंडेंस, जो हमने बात कर ली है कि डिपेंडेंस जो है ये उससे कि जो रिलेटिव इंडिपेंडेंस होना चाहिए, कि एक तरह से पूरी तरह से तो इंडिपेंडेंस नहीं हो सकता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, लेकिन कुछ हद तक इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। फ्रॉम लिमिटेड बिहेवियर टू मच डिफरेंट बिहेवियर, कि एक तरह का बिहेवियर करने से अलग अलग बिहेवियर करने है, कि आप किस तरह से व्यवहार करेंगे, मान लीजिए आप सेल्समैन है या कुछ भी हैं तो आप किस तरह से बेचेंगे ये आपको छोड़ देना, ये नहीं कि आपको एग्जैक्टली रटा दिया गया कि आप यही बोलेंगे सबके सामने वही बोलेंगे आप भले कोई भी आ जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। फ्रॉम इरेटिक सोलो ब्रीफ इंटरेस्ट टू मोर स्टेबल डीपर इंटरेस्ट, जो छिछला या बहुत नैरो इंटरेस्ट हैं
उससे हटकर एक लार्जर इंटरेस्ट की तरफ, ये गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसकी तरफ लोगों को ले जाना, फ्रॉम शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, जो बहुत जल्दी के कि बेनिफिट ना देख के लॉन्ग टर्म बेनिफिट को देखना जरूरी है, फ्रॉम सबऑर्डिनेट सोशल पोजिशन टू एन इक्वल और सुपर ऑर्डिनेट सोशल पोजिशन, कि सबऑर्डिनेट जो है ऊपर नीचे की बात नहीं हो, आप का काम कुछ और है मेरा काम कुछ और है, तो हम सबऑर्डिनेट ना हो कि इक्वल लेवल पे या सुपर ऑर्डिनेट होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को बोल सकें, इस तरह के पोजीशन पे लाना। और हमने जैसे बताया कि उस समय तमाम तरह सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी कि उनका जो काम करने का तरीका था वो ऑलमोस्ट, क्योंकि सैलरी एक जैसी होती थी सबकी, काम अलग अलग हो सकते थे लेकिन लेबर की सैलरी और उनकी सैलरी ऑलमोस्ट बराबर होती थी मैनेजर की, और यूजली अगर देखें तो जो सोशलिस्ट स्टेट होते हैं सोवियत यूनियन होता था वहाँ तो ज़्यादा भी होती थी लेबर की सैलरी, तो काम अलग अलग है, सैलरी अलग अलग कहते बराबर है, तो सबऑर्डिनेट नहीं है कोई, तो वहाँ पे काम अच्छा हो रहा था काफ़ी। ऑल दो बाद में अगर हम देखेंगे तो क्या होता है वो अलग कहानी है, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा था उससे ये इम्प्रेस होके एक नए तरीके का आइडिया जो ह्यूमनिज्म का आइडिया, फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस टू सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, कि अभी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू एग्रेस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी मैच्योर इंडिविजुअल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन द कंस्ट्रक्टिव रिलीज ऑफ साइकोलॉजिकल एनर्जी, कि जो मैच्योर इंडिविजुअल है वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव, उनके अंदर होता ही वो साइकोलॉजिकल एनर्जी होती है कि कंस्ट्रक्टिव लाएंगे, वो ऐसा नहीं कि हमेशा पैसिव रहना चाहता, कुछ लोग हो सकते हैं जिनके अंदर कोई कंस्ट्रक्टिव आइडिया नहीं है, वो इन्फेंट की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होंगे वो हमेशा साइकोलॉजिकल एनर्जी उनके अंदर होती है, कंस्ट्रक्टिव या क्रिएटिव होंगे ही। ठीक है, आगे देखते हैं हम, तो ये दूसरा जो आइडिया दे रहे हैं ये क्या है, ये है इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस, तो इंटरपर्सनल जो कॉम्पिटेंस है वो बढ़ाने की बात करते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एंड हॉस्पिटल टू बिजनेस फर्म्स एंड सिविल सर्विसेज एग्रीस फाउंड दैट कॉम्पिटेंस इन्वॉल्विंग इंटरपर्सनल स्किल्स हैव बीन ऑफुली नेग्लेक्टेड, कि जो आपस में एक दूसरे के लिए कॉम्पिटेंस है वो कहीं पर दिख नहीं रहा। He postulated that there are three requirements for the development of interpersonal competence, जो है उसके लिए तीन basic requirement करते हैं, कि पहले तो क्या है self acceptance, these refer to degree to which personal value himself in a positive fashion, कि जो actualization एक तरह से है कि अपने आप को पहले realize तो करें कि हम क्यों important हैं, तो वो भी पहले करना पड़ेगा। इसके बाद confirmation by confirmation, agreement that the reality testings of वंस ओन सेल्फ इमेज, कि अपनी इमेज के बारे में भी सोचना, क्योंकि आप जब आप अपने आप को पॉजिटिवली लेंगे तभी आप अपनी इमेज के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कि ठीक है हमने काम भी नहीं करेंगे, आप डांट भी दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेल्फ इमेज के बारे में सोचना पड़ेगा। एसेंशियलिटी, दिस इज डिफाइंड बाय एग्रेस वंस अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज द सेंट्रल एबिलिटीज एंड एक्सप्रेस हिज सेंट्रल नीड्स, कि जो अपनी बेसिक जो एबिलिटी है हम क्या क्या कर सकते हैं, और जो एक्सप्रेस करता है एसेंशियलिटी कि हम क्यों एसेंशियल हैं, क्योंकि हमारी एक अलग नीड है और हमारी एक अलग एबिलिटी है, इन सब चीज़ों से जो होगा इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस, जो हमारे अंदर का जो कॉम्पिटेंस है और आसपास से जो हम देखते हैं कि हम क्यों अलग हैं, कैसे हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में या ऑर्गेनाइजेशन में, ये चीज़ें जानना। दीज फोर टाइप्स ऑफ बिहेवियर आर अरेंज रफली इन ऑर्डर टू डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस एंड इंक्रीजिंग पोटेंसी कंट्रीब्यूटिंग टू कॉम्पिटेंस। अब ये अपना कॉम्पिटेंस बढ़ाने के लिए अगर आप देखेंगे तो चार तरह की चीज़ें बता रहे हैं, तो हम देख लेते हैं आगे बढ़ के। तो फोर जो है अगर आप देख सकते हैं, तो पहला इन्होंने जो बोला है ओनिंग अप टू और एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन आइडियाज एंड फीलिंग, कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक्सेप्ट करना, उसी से आपकी जो कॉम्पिटेंस है क्षमता है जो आइडिया है वो बढ़ेगा। तो अपनी जो कॉम्पिटेंस है उसको बढ़ाने के लिए क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है, तभी आपकी क्षमता बढ़ेगी। बीइंग ओपन टू आइडिया एंड फीलिंग ऑफ अदर्स एंड दस फ्रॉम विद इन वन सेल्फ, कि अब क्या है कि एक तो आइडिया के लिए ओपन होना, कि नया आइडिया आ रहा है तो उसके लिए ओपन, कि ये नहीं समझना कि मेरा आइडिया खराब होगा, और दूसरा फीलिंग फॉर अदर, कि अगर दूसरे का भी कोई आइडिया आ रहा है तो उसको भी सुनना, इससे भी आपकी क्षमता जो है कॉम्पिटेंस है वो बढ़ेगा। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटिंग विथ न्यू आइडियाज़ एंड फीलिंग, कि नए आइडियाज़ और नए फीलिंग्स जो आ रहे हैं उसके भी साथ एक्सपेरिमेंट करना, कि
कि करके देखना, कि अगर किसी ने कोई सजेशन दिया है तो उसको करके देखना, ये जो चीज़ें हैं वो जरूरी। हेल्पिंग अदर्स टू ओन अप, बी ओपन टू एंड टू एक्सपेरिमेंट विद देयर आइडियाज़ एंड फीलिंग, और दूसरे को भी प्रमोट करना कि आप भी कुछ नया लाए हैं तो अच्छी बात है। तो ये जो पॉजिटिव फीलिंग है ये जरूरी है, ये जब भी आप काम करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं जो सी पार्ट था कि द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ न्यू सिस्टम। ये न्यू सिस्टम बोल रहे हैं कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्यूचर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि ऐसा नहीं कि पूरा जो नया तरीके से नया सेटअप ही बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो ओल्ड चीज़ें थी जिसमें यूनिटी ऑफ कमांड थी, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर था, स्पैन ऑफ कंट्रोल था, या डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं हर्बर्ट साइमन का, वो सब चीज़ें भी थी, उसको पूरी तरह से निगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नए थे तो देख रहे हैं कि ओल्ड पिरामिडिकल फॉर्म्स विल बी मोर इफेक्टिव फॉर द रूटीन नॉन इनोवेटिव एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स लिटिल इफ़ एनी इंटरनल कमिटमेंट बाय द एम्प्लॉयज़। ये कहते हैं कि जो पुराना स्ट्रक्चर था पिरामिड वाला, जहाँ पे कुछ अलग से नहीं करना, रूटीन वर्क करना है, जहाँ पे रोज़ इनोवेटिव चीज़ें नहीं करनी, वहाँ के लिए तो सही है, लेकिन जहाँ पे इनोवेटिव चीज़ें करनी है, क्रिएटिविटी लानी है, वहाँ पे सभी का जो है आइडिया इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अग्रेस डिटेल्ड प्रिस्क्रिप्शन कंसर्निंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क एंड द नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग फिर से आ गया यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो हर्बर्ट साइमन ने भी एक डिसीजन मेकिंग दी थी जो उनका आइडिया था बाउंडेड रैशनैलिटी का, कि किस तरह से रैशनैलिटी डिपेंड करती बहुत सी चीज़ों पे, तो वो बाउंडेड होती है, बिल्कुल फ्री नहीं है। आप रैशनल होने के लिए भी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है या आपके पास जो स्किल है उन सब पे ही डिपेंड करता है। और यहाँ पे भी इनका आइडिया जो है रिक्वायरमेंट डिसीजन मेकिंग का, अकॉर्डिंगली ही सजेस्ट वेरियस मिक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट पे ऑफ्स, की किस तरह से हो सकता है। तो पहला स्ट्रक्चर ये जो सजेस्ट करते हैं, कि इनका सजेशन है द पिरामिडिकल स्ट्रक्चर जो हमने बात की है, रिवार्ड्स एंड पेनाल्टी एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है कि रिवार्ड और पेनाल्टी मिलती है, कि आपने सही किया तो रिवार्ड और पेनाल्टी। इंडिविजुअल प्रैक्टिस पार्टिसिपेंट डू नॉट सीक साइकोलॉजिकल सक्सेस एंड प्रिफर टू रिमेन एपैथेटिक एंड नॉन इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें रिवॉर्ड तो मिलेगा और पेनल्टी, तो इन सब चीज़ों की वजह से ये जो होता है कि पेनल्टी मिल सकती है, इसलिए कोई एपैथेटिक होता है, नीचे का आदमी कोई भी चीज़ नहीं करता, इसको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड और पेनल्टी से मतलब नहीं होता। सेकेंड जो होगा स्ट्रक्चर वो क्या है, मॉडिफाइड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये कहता है दिस इज क्लोज टू लिंकर्स जो है लिंक पिन, ये हम बाद में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट विच इनेबल्स अ सबऑर्डिनेट टू बी मेम्बर ऑफ द सुपीरियर डिसीजन यूनिट। कि इनका जो कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट लिंक पिन जैसा है, कि सबऑर्डिनेट को है मेम्बर ऑफ सुपीरियर का, डिस्कशन यूनिट का एक मेम्बर बनाना चाहते हैं, कि जब डिस्कशन हो रहा हो तो वहाँ पर जो सुपीरियर है उसके साथ सबऑर्डिनेट्स भी हों। द डिसीजन मेड बाई अ ग्रुप और टू गो अहेड एंड मेक हिज ओन डिसीजन विदाउट वेटिंग ऑफ द ग्रुप टू डिसाइड। तो जब जो डिसीजन है मेड बाय अ ग्रुप है टू गो अहेड, कि अगर अहेड जाता है उसके बाद, कि जब इंडिविजुअल्स को ऐसा कोई परिस्थिति आ जाती है या ऐसी सिचुएशन आती है, कंडीशन आती है, तो क्या करेगा, वो खुद भी ले सके डिसीजन, ना कि वो वेट करे कि ग्रुप ही डिसाइड करेगा। तो ये सेकेंड मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, इसमें फॉर्मल भी होगा इनफॉर्मल दोनों का मिक्स है, और इक्वलिटी है कि डिसीजन के लिए दोनों ही सुपीरियर्स तो जिम्मेदार है ही, जो इन्फीरियर्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो भी जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी डिसीजन ले सकते हैं। अब थर्ड स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। सो थर्ड स्ट्रक्चर में पावर अकॉर्डिंग टू फंक्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन। ईच एम्प्लॉय हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन पावर एंड कंट्रोल्स डिपेंडिंग ऑन हिज पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब ये और भी आगे की चीज़ बता रहे हैं कि ईच इक्वल हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन पावर कंट्रोल की, सभी लोग बराबर हो, और डिपेंडिंग ऑन हिज पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन की, जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकता है उसके अकॉर्डिंग उसको पावर दी जाए और उसको मिलनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा और बेटर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। लास्ट जो है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन और भी लोगों ने डिस्कस किया है, इसको हम बाद में भी देखते रहेंगे, लेकिन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है कह सकते हैं एक यूटोपियन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक आइडियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अंडर दिस स्ट्रक्चर ईच इंडिविजुअल हैज इक्वल पावर। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इक्वल पावर है, लेकिन डिपेंड ऑन द कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे इक्वल पावर है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबकी बराबर है, एंड ही मे नॉट रिलिंक्विश इट। की
अब ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, मान लीजिए मूवी मेकिंग है, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि किसी के कम पावर है किसी के ज़्यादा। उसमें कई बार होता है कि ऑलमोस्ट सबको, सबका अपना कंट्रीब्यूशन से होता है। या आप हीरो कहेंगे हम खराब एक्टिंग करते हैं, खराब एक्टिंग करेंगे तो उसकी फिल्म भी तो डूबेगी, या जो सिंगर है वो खराब गाना गाए, तो सभी लोग इक्वल पावर होती है, कोई जबरदस्ती नहीं कह सकता। या फिर ये नहीं कह सकते कि आप जबरदस्ती अच्छा गाना गवा दें। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑलमोस्ट इसी तरह के, ऑल दो वहाँ भी पावर डायनेमिक्स होती है, लेकिन उससे भी आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पे सभी के पास इक्वल पावर होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने बताया कि जैसे कि सोवियत यूनियन या जहाँ पे हो रहा था, वहाँ पे जो हो रहा था कि ऑलमोस्ट जो सभी लोग थे इक्वल पावर की तरह, ऑल दो पावर फिर वहाँ पे भी हायरार्की थी, लेकिन क्योंकि सैलरी सबकी बराबर थी या लेबर की ज़्यादा थी, तो वो पावर डायनेमिक्स जो इकोनॉमिक नहीं थी, वो पावर डायनेमिक्स नॉलेज बेस्ड थी और आइडिया बेस्ड। ही हैज़ अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ टू इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ द कोर एक्टिविटीज़, कि अब जो आदमी है उसको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होगी कोर एक्टिविटी को भी एक्सेस करने की, उसको इन्फ्लुएंस करने की, प्रभावित करने की। अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन और द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इनेबल्स जॉब टू बी इनलार्ज। आप क्या होगा कि अगर आपका अपना आइडिया इतना अधिक होगा या आपका से इतना अधिक होगा, तो आपको जॉब जॉब की तरह नहीं लगेगी, आपका अपना बिजनेस की तरह लगेगा। जैसे कई लोग मिलके एक बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसमें कोई एक तो नहीं होता है बॉस, सभी लोग होते हैं, तो सभी की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस तरह से, या जो कोऑपरेटिव शुरू होते हैं, तो कोऑपरेटिव में जितने लोग मिलकर कर रहे हैं, 20 लोग मिलकर कोऑपरेटिव शुरू करें, तो सभी लोग बॉस भी हैं, सभी लोग एम्प्लॉय भी हैं। तो उस तरह का एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। आज के समय जो क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी पे बेस्ड होते हैं। तो डी देखें, जो हमने चौथा पॉइंट देखा, टेक्निक्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। अब यही जो हमने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन आते भी हैं कि टी ग्रुप क्या है। या तो इन्होंने बताया कि अ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटी, ये जरूरी होना चाहिए। द कंसर्न ऑफ इफेक्टिवनेस वुड बी मैच्ड बाय द कमेंसुरेट एजुकेशनल एफर्ट। जितना भी एफर्ट दिया गया है एजुकेशन एजुकेट करने के लिए, वो इफेक्टिवनेस दिखाती है। द टी ग्रुप, जो हमने पहले भी देखा था, टी ग्रुप फॉर टी फॉर ट्रेनिंग फॉर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज वन सच टेक्निक सजेस्टेड बाय एग्रेस फॉर इम्प्रूविंग द पर्सनल इफेक्टिवनेस एम्प्लॉय, कि अगर आप उसको ट्रेनिंग करेंगे तो क्या होगा, पर्सनल इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ जाएगी एम्प्लॉय की। अब टी ग्रुप ऑफ सेंसिटिविटी और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है, या इसको टी ग्रुप भी कहते हैं, टी ग्रुप ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, टी ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, द टी ग्रुप टेक्निक कंसिस्ट ऑफ लेबोरेटरी प्रोग्राम डिज़ाइन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ टू एक्सपोज देयर बिहेवियर, गिव एंड रिसीव फीडबैक, एक्सपेरिमेंट विथ न्यू बिहेवियर एंड डेवलप अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ एंड सेंसिटिविटी टू द पर्सनैलिटीज ऑफ अदर। तो जो बात हो रही थी अभी तक, सारा आइडिया इनका इसी फोकस था कि अपने आप का जो सेल्फ बिहेवियर है वो कैसे बढ़ाएं, एक्सपोज द बिहेवियर की, जो हम बिहेव करते हैं उसको एक्सपोज करें, बाहर निकालें एंड फीडबैक ले, एक्सपेरिमेंट करें न्यू बिहेवियर के साथ। तो इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो अवेयरनेस है वो आए बिहेवियर के प्रति, और दूसरे का भी, जो एक्सेप्टेंस है सेल्फ का और सेंसिटिविटी द पर्सनैलिटी ऑफ अदर्स की, दूसरे के बिहेवियर के प्रति भी आप सेंसिटिव हो जाएंगे कि उनका भी एक अलग बिहेवियर होगा। द टी ग्रुप ऑल्सो प्रोवाइड द पॉसिबिलिटी टू लर्न द नेचर ऑफ इफेक्टिव ग्रुप फंक्शनिंग, कि ग्रुप फंक्शनिंग पे भी फोकस करता है, कि अगर आप ये सिखा लें कि किस तरह से एक ग्रुप में अलग अलग लोगों का अलग अलग बिहेवियर होगा, उसके साथ मिलकर काम कैसे कर सकते हैं। ग्रेजुअली द सेम अप्रोच इज बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली टू प्रमोट ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूवमेंट, कि अब इसी चीज़ को जब छोटे ग्रुप पे आप कर लें, तो लार्जरी जो आप देख सकते हैं क्या होगा कि आप उसके लिए भी कर सकते हैं, जो कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सेम चीज़ यूज़ कर सकते हैं। Agris notes that we are not suggesting that organization be administrated like T group. अब T group की तरह ना हो, क्योंकि T group तो सीखने के लिए है, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना ये सब सीख जाए, लेकिन organization में indirectly इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाए। अब क्योंकि जो सब सुपीरियर हैं और जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके बीच भी एक रिलेशन होना चाहिए, जो एक दूसरे के लिए बिहेवियर को लेके अवेयर रहें कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं। और सुपीरियर्स को तो और ज़्यादा होना पड़ेगा कि उनके सबॉर्डिनेट्स को बिहेवियर को किस तरह से ऑब्जर्व कर पाएँ, अगर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाउएवर वी आर हाइपोथेसाइजिंग बट दे शुड इंक्लूड स्ट्रक्चर लाइक टी ग्रुप फॉर सर्टेन सेलेक्टेड डिसीजन। कि अब टी ग्रुप का ये कह रहे हैं, सब में तो डिसीजन लेने में हमेशा टी ग्रुप जैसा यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जगह पे टी ग्रुप यूज़ होना चाहिए जहाँ पे ट्रेनिंग जो हो कि एक दूसरे के बिहेवियर एक दूसरे को समझ कर तब डिसीजन लिया जाए। टी ग्रुप एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे इन्होंने बात की। क्रिस एग्री सेज दैट वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टी ग्रुप टेक्निक और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहते हैं कि टी ग्रुप जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू एग्रीज रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड एम एट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद हायर ऑर्डर नीड सेटिस्फैक्शन। कि जो नीचे का एम्प्लॉय है इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी, उसके लिए भी एक नीड सेटिस्फैक्शन, उसको भी तो कुछ आइडिया हो। कि कई बार होता है कि बहुत मैकेनिकल हो जाती हैं चीज़ें, जैसे तमाम सारी हमने आज के समय भी PDS सिस्टम होता है जिसमें अनाज देना होता है, तो बहुत ज़्यादा है कि आधार से लिंक होना ही चाहिए। अब वो नहीं भी लिंक है, अगर मैं जानता हूँ मैं उसको, तो वो क्रिएटिविटी मेरे अंदर है, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, इस बार वो लिंक नहीं हो रहा है तो भी मैं उसको दे सकूँ, ये सब फ्रीडम नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें टी ग्रुप के थ्रू वो एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए, वो फ्रीडम की जब उसको ज़रूरी लगे तो कुछ फ्रीडम वो दे सके, हमेशा वो बहुत स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिन में ना काम करें। वाइल एग्रीज रिकमेंडेशन स्टेम फॉर स्पेसिफिक रिसर्च स्टडी फ्रेडरिक्सन कंसीडर देम रेलिवेंट टू ऑल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो कह रहे हैं कि वहाँ पे तो जहाँ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ तो हो ही, एट द सेम टाइम गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके अंदर भी ये होना चाहिए, ताकि जो नीचे के एम्प्लॉय है, जैसे कोई सफाई कर्मचारी भी है, उसके पास भी वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि किधर से साफ करेगा, किसको पहले कर दे किसको बाद में करे, ये सारी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो बोला गया है कि आप इधर से साफ़ कीजिए उधर से साफ़ कीजिए, सुबह यहाँ के लिए शाम को वहाँ। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत फ्रीडम देने से और अपने आप को सोचने से उसके अंदर पावर जब वो रियलाइज़ करेगा, सेल्फ एक्चुलाइजेशन होगा, तो वो बेटर काम कर पाएगा। तो इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग की बात करते हैं। ये तो देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग में अग्रेस इज हाईली क्रिटिकल ऑफ अप्रोचेस एंड वर्क ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल सोशियोलॉजिस्ट। तो एग्रीज दोनों तरफ से जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैं और ऑर्गेनाइजेशन सोशियोलॉजिस्ट हैं, दोनों को ही बहुत क्रिटिकली देखते हैं। वाइल मैनी साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स टेंड टू प्लेस द एनवायरनमेंट सोशल स्ट्रक्चर नॉर्म्स इन अ ब्लैक बॉक्स, द ऑर्गेनाइजेशन सोशियोलॉजिस्ट लाइक बालू थॉम्पसन पेरो गोल्डथ्रोप इट इज हैव इग्नोर्ड मच ऑफ द रिसर्च ऑन पर्सनैलिटी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड ग्रुप डायनेमिक्स। तो इन सब चीज़ों पे इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे फोकस नहीं किया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे फोकस नहीं किया, ग्रुप डायनेमिक्स नहीं, हाँ कुछ अलग तरह से किया कि हाँ किस कम्युनिटी से आते हैं। अगर वेबर को देख ले तो वेबर क्या करते हैं, वेबर उनको अलग तरीके से कम्युनिटी वाइज बांट देते हैं, या क्लास में बांट सकते हैं कि रिच जो क्लास से आता है या कहीं से आता है उस पर तो बांट रहे हैं, लेकिन पर्सनालिटी पे इंडिविजुअल की फोकस नहीं कर रहा है कोई भी। तो देयर कॉन्सेप्ट ऑफ मैन इज़ वेरी क्लोज टू द वन दैट ऑटोक्रेटिक एंड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट था उसी की तरह है, कि बहुत जनरलाइज कर दिया कि जिस क्लास के लोग जो हैं या जो एम्प्लॉय है वो लेजी होगा या काम नहीं करना चाहता होगा, बहुत जनरलाइज है। ऑलवेज मेंटेन नेमली दैट पीपल प्रिफर टू बी मार्केट ओरिएंटेड एंड इकोनॉमिकली ओरिएंटेड। ये कह रहे हैं कि हमेशा जो पीपल है वो मार्केट ओरिएंटेड होगा, इकोनॉमिकली ओरिएंटेड ही होगा, ऐसा नहीं होता। कई बार लोग सेल्फ एक्चुलाइजेशन के लिए भी काम करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट अपनी इमेज सेल्फ इमेज के लिए भी काम करते हैं, इन सब चीज़ों पर फोकस करते हैं। अब क्रिटिक ऑफ हर्बर्ट साइमन जो हमने बात की थी कि जो बाउंडेड रैशनैलिटी की बात करते हैं, रैशनल जैसे इन्होंने बोला हर्बर्ट साइमन क्या कर रैशनल मैन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो उनकी थी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय एग्रेस ऑन सेवरल ग्राउंड्स। बहुत तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया इसको, ऊपर बढ़ा के देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि द हर्बर्ट साइमन रैशनल मैन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज ऑन सेवरल ग्राउंड्स। क्या है ये कि अच्छा ये फिर से वही लिख दिया गया वो नहीं, एग्रीज कंसीडर दैट साइमन्स रिलायंस ऑन द डिस्क्रिप्टिव एम्पिरिकल अप्रोच एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटिस्फाइंग मैन वुड सपोर्ट स्टेटस क्वो इन ऑर्गेनाइजेशन। जो इनका एम्पिरिकल अप्रोच था, जो बाउंडेड रैशनैलिटी का जो रैशनैलिटी का अप्रोच था, वो बड़ा कह रहे हैं कि वो सेटिस्फाइंग मैन का कॉन्सेप्ट है, और कि एक आदमी किसी इन सब चीज़ों रैशनैलिटी से अगर सही डिसीजन ले रहा है तो वो कहते हैं वो सही वो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे कि ये कौन डिसीजन ले कौन रहा है, जिसके पास ज़्यादा पावर है
नीचे के लोग डिसीजन लेने में अभी नहीं आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये स्टेटस को ही तो मेंटेन करेगा। अभी तक आपने बोला कि बाउंड, ऑल दो ये कह रहे हैं कि ये नेशनैलिटी जो ऊपर के लोगों की है वो इनको भी कंसिडर करेगी, लेकिन क्या हो रहा है नीचे के जो लोग हैं उनको कंसिडर तो करेगी ये बाउंडेड नेशनैलिटी, लेकिन इनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, या फिर कह सकते हैं कि ये जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट स्टेटस को ही बन गया। साइमन्स थ्योरी इन एग्रीस व्यू एक्सक्लूड्स वेरिएबल लाइक इंटरपर्सनल रिलेशन नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये चीज़ें जो हमने बात की कि अभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो इनका है वो नहीं काम आएगा, क्योंकि बाउंडेड रैशनैलिटी में क्या है कि रैशनल चीज़ों पे हम डिसीजन लेंगे, डिसीजन मेकिंग जो होगा वो रैशनैलिटी पे बेस्ड होगा। तो एग्रीस गोज टू द एक्सटेंट ब्रैकेटिंग साइमन अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल। अब ये कहते हैं जो हर्बर्ट साइमन है उनको ये क्या कह रहे हैं वो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर में ही डाल दे रहे हैं, ऑल दो इनको मॉडर्न बोला जा रहा है। हर्बर्ट साइमन बिहेवियरल अप्रोच लेके आते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी का, ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी ये इनको ट्रेडिशनल थ्योरिस्ट में डाल देते हैं फॉर एम्फसाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ अथॉरिटी स्ट्रक्चर, क्योंकि ये अल्टीमेटली रैशनैलिटी कौन यूज़ कर रहा है, अथॉरिटीज़ यूज़ कर रही हैं। फॉर पेइंग इनसफिशियंट अटेंशन टू द इमोशनल साइड ऑफ मैन, फॉर इग्नोरिंग द हॉस्टिलिटी एंगर नेगेटिव फीलिंग एंड ऑफ टिपिकल एम्प्लॉय टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड द गोल्स। इन सब चीज़ों पे हर्बर्ट साइमन नहीं बात कर पाते हैं, इसलिए उनको फिर से ट्रेडिशनल में ही, अकॉर्डिंग टू क्रिस एग्रीस, सभी लोग नहीं मानते, बाकी सब लोग बिहेवियरल अप्रोच के थिंकर मानते हैं, ये इनको क्लासिकल में डाल देते हैं। अब ऑब्वियसली इनका भी क्रिटिक देख लेते हैं कि किस तरह से ये बात कर रहे हैं, इनका जो इवेल्युएशन कर लेते हैं, तो देख लेते हैं आगे बढ़ा के। तो क्रिटिक में यूजली इनको देखा गया है कि एग्रेस बीइंग व्यू ऑफ मैन इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, हिज कैरेक्टराइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सीम्स टू बी ब्रॉडर टू यूटोपिया। अब ये कह रहे हैं कि एक तरह से यूटोपिया की तरह बात कर रहे हैं कि आइडियल कंडीशन में कि हर इंडिविजुअल को आप पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने का मौका दीजिए, इस विदाउट एनी प्रिसाइज ऑपरेशनल इंडिकेटर्स, कि इसका ऑपरेशनल इंडिकेटर कहीं इनको मिला नहीं कि ऐसा करने से कितना फ़ायदा होगा, ये सब नहीं मिल पाया, ऑल दो इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। टू साइमन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज सिनोनिमस विथ एनार्की। अब ये जो कह रहे हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो साइमन क्या कहते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो एनार्की की तरफ है। अब अगर सभी लोग डिसीजन में आ जाएंगे तो ये कह रहे हैं कि एक एनार्की हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी कि कौन कैसे डिसीजन ले पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए जो उनका साइमन का बाउंडेड रैशनैलिटी है वो जो है मैनेजमेंट को देते हैं, कि या कहीं भी गवर्नमेंट के सेंस में अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट लेती है डिसीजन, ना कि पूरी जनता। अगर मान लीजिए पूरी जनता ले ले डिसीजन तो क्या होगा, तो बहुत बार जनता को उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन कम होती है, किसी भी चीज़ में। मान लीजिए वॉर करनी है तो वॉर की जो कंडीशंस हैं उसमें जनता का नहीं मालूम, जनता को नहीं मालूम। या अभी कोरोना के बारे में कोई पॉलिसी बनानी है तो अगर जनता से पूछ लिया जाए तो क्या होगा, जनता को कोरोना से लड़ने की अभी ट्रेनिंग नहीं है, तो इसलिए हम उनसे कई बार नहीं पूछते। तो ये क्रिटिसाइज करते हैं साइमन एग्रीस को, क्रिटिसाइज करते हैं कि एनार्की की तरफ लीड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एग्रीस एंटीपैथी टू अथॉरिटी इज कंसीडर्ड टू बी विदाउट एनी पैरेलल। ये कह रहे हैं कि एंटीपैथी जो है वो अथॉरिटी कंसीडर करते कोई पैरेलल क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं। एग्रीस अजम्पशन दैट द परस्यूट ऑफ द गोल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन इज यूनिवर्सिटी गोल एंड होल्स हैज ऑल्सो बीन क्वेश्चन, कि इनका आइडिया क्या है, यूनिवर्सलिस्टिक गोल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, सब लोगों का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाना चाहिए, और ऑब्वियसली इन्होंने भी क्योंकि यूनिवर्सल नहीं हो सकता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, किसी को जरूरत है किसी को नहीं है, और ये भी क्वेश्चन किया गया है, तो ये इनका क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। इसी के साथ हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके, टेक केयर।